सीएमयू की थोड़ी ही देर में गोरखपुर के घगसरा में बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जटाशंकर में शाम 5 बजे शिवालिक पब्लिक स्कूल में सामाजिक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सीएमयू की गोरखपुर में शाम 6 बजे वैष्णवी लॉन सिविल लाइन्स में बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में व्यापारी सम्मेलन को करेंगे संबोधित और विरोधियों पर जमकर करेंगे सियासी हमला। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज मिर्जापुर और सोनभद्र में करेंगे जनसभा, गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। 15 मई को वाराणसी में प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो, विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगी प्रियंका गांधी, वाराणसी में मोदी के खिलाफ करेंगी प्रचार, 19 मई को अंतिम चरण में होगी वाराणसी में वोटिंग। आजमगढ़ में लोगों ने किया मतदान, पूर्व मंत्री दुर्गा यादव और भाजपा प्रवक्ता अमित तिवारी ने भी किया मतदान। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने अपने पैतृक गांव सर्वजीतपुर में पत्नी के साथ मतदान किया, लोगों से वोट की अपील भी की। कानपुर में राष्ट्रीय शंकरा संस्थान विश्व शंकरा गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है संस्थान, 3 चीनी उत्पादक देशों में एमओयू साइन करेगा, नाइजीरिया, श्रीलंका और मिस्र देश के साथ होंगे एमओयू। कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन का बयान सामने आया है, श्रीलंका, नाइजीरिया और मिस्र से करेगा एमओयू अनुबंध और एमओयू हुआ है प्राप्त। आगरा में अवैध रूप से चल रहे कैफे पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की, कैफे से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ बियर की केन्स बरामद हुई, कैफे के मैनेजर को किया गया गिरफ्तार, थाना ताजगंज के मोचा कैफे का मामला। मैनपुरी में कछपुरा गांव के निवासी की दिल्ली में संदिग्ध हालत में मौत, और किशनी पुलिस ने कछपुरा से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, चाचा पर हत्या करने का शक और केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में कोलंबिया निवासी विश्व स्वरूपा दास ने यमुना की सफाई के लिए लोगों को अनोखे तरीके से जागरूक किया, विश्व स्वरूपा ने कचरा और प्लास्टिक बोतल से 2.5 मीटर ऊंची यमुना की प्रतिमा तैयार की। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।